भाई मैं इस क्वेश्चन को शानदार क्वेश्चन कहूँगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छा। ये आपकी नॉलेज भी चेक करेगा कि आपसे वेक्टर आते नहीं आते, आप क्या समझते हो, पैरेलल एंटी पैरेलल का केस सब कुछ पूछेगा। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, अगर आपकी समझ में आ जाए मेरा सॉल्यूशन देन तभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अदरवाइज वीडियो को स्किप कीजिएगा और ख़त्म करो, मारो गोली सारी। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बड़ा दमदार है और इसका सॉल्यूशन आपको पूरा वीडियो सॉल्यूशन में देने वाला हूँ इसका। देखो कैसे आपसे कह रहा है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ठीक है, दो पैरेलल वायर बना दो, बना दिया आपने लॉन्ग पैरेलल वायर, बना दिए हैं एक दूसरे के साथ पैरेलल, बिल्कुल है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। ज़बरदस्त, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, जो कहा गया है वो बना रहा हूँ। ईच वायर हैज़ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, दोनों के अंदर करंट की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर इसके अंदर है और करंट की वैल्यू 4 एम्पियर इसके अंदर है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन दैम, इन दोनों के बीचों बीच में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ये पी पॉइंट है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर दो केस लो आप, पहला केस ये लो कि आपको जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में दौड़ानी है, कहाँ दौड़ानी है, सेम डायरेक्शन में, करंट को सेम डायरेक्शन में दौड़ाना है। तो चलो पहले वाले केस के अकॉर्डिंग करंट को आपने सेम डायरेक्शन में रखा, जब करंट को आप सेम डायरेक्शन में रखते हो तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, पहले वाले वायर को इसको कह दो, दूसरा वाला इसको कह दो, तो पहले वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस होगा, पहले वाले की वजह से, दूसरे वाले वायर की वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर देखना, तो देखो इधर तो डाउनवर्ड होगा और इधर अपवर्ड होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आप देखते हो वायर के चारों तरफ कुछ इस तरह से है, तो जब इस तरह से देखोगे आप तो इधर को तो डाउनवर्ड और इधर को अपवर्ड आएगा, तो आप यहाँ चेक करना चाह रहे हो इसकी वजह से, करंट ऊपर को जा रहे हो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो भाई अपवर्ड ही आएगा ना, अपवर्ड, तो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हो। अब मुझे एक बात बताओ, करंट दोनों में सेम जा रही है, ये पी पॉइंट जो है दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा वो इक्वल और अपोजिट हो रहा होगा, क्योंकि एक अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है एट अ सिंगल पॉइंट तो नेट तो जीरो निकल कर आ जाएगा, तो पहले वाले पार्ट का आंसर वो यही है कि वैल्यू जो आएगी वो जीरो आएगी। आप कहोगे सॉल्यूशन यहाँ को लगाओ, आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट केस चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन, पहले वाले वायर की वजह से कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू होता है, इसको B1 कह दोगे, B1 इज इक्वल टू होता है म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई, लेट अस सपोज कि मिड पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो R है, यहाँ से R है तो फिर यहाँ से भी ये R ही होगी, ठीक है। अब ये कैसा है, ये है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्योंकि हमने देख ली राइट हैंड थंब रूल लगा करके। सिमिलरली अगर आप B2 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, अगेन म्यू नोट करंट भी आई दौड़ रही है, डिस्टेंस भी सेम है R, लेकिन जो B2 है, B2 दूसरे वाले वायर की वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको कहोगे आप अपवर्ड, ये अपवर्ड है, तो इन दोनों की वजह से जब नेट निकालोगे आप तो आप कहोगे B1 डिफरेंस B2, दोनों के बीच में अंतर, अंतर का मतलब क्या है, दोनों की वैल्यू को पुट कर दो, म्यू नोट आई अपॉन 2πr माइनस म्यू नोट आई अपॉन 2πr, दोनों इक्वल होने की वजह से कट जाएंगे तो बी नेट कितना निकल कर आ जाएगा आपके पास, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट जाती है तब उस कंडीशन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 0 आती है। ये आपने बहुत अच्छे से समझा है, पहले वाले पार्ट का आंसर दे भी रखा 0। चलिए सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को वापस से मैं एक बार और ले लेता हूँ सेकंड वाले पार्ट में, इसकी सेकंड वाला पार्ट होता है भाई इसका, देखो कैसे सेकंड वाला पार्ट, इसका सेकंड वाले पार्ट में इसमें ये कह रहा है हमसे कि वायर तो आपके पास यही हैं, जो दो वायर थे आपके पास वायर वही हैं, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, करंट इसके अंदर भी 4 एम्पियर की जा रही है, करंट इसके अंदर भी अभी भी 4 एम्पियर की जा रही है, दोनों के बीच का सेपरेशन अभी भी 16 सेंटीमीटर है, यही है ना, 16 सेंटीमीटर है, कहाँ गया कहाँ गया, ये है 16 सेंटीमीटर है। अब आपसे ये कह रहा है कि करंट अब दूसरे वाले केस में जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर एक में ऊपर की तरफ को जा रही है
तो दूसरे में करंट जो आएगी वो नीचे की तरफ को आएगी, ये हो गई अपोजिट डायरेक्शन। और आपसे कह रहा है कि मिड पॉइंट पर बताओ, तो मिड पॉइंट कहीं ना कहीं ये होगा। लेट अस सपोज कि आर डिस्टेंस पर है पी पॉइंट, तो यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं, तो इसको मान लो वायर वन, इसको मान लो वायर टू, तो वायर वन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो तो डाउनवर्ड आएगी, मतलब क्रॉस आएगी पहले वाले की वजह से। सेकंड वाले वायर को देखो, सेकंड वाले वायर को, सेकंड वाला वायर नीचे की तरफ को करंट जा रही है, थंब रखोगे इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखना चाह रहे हो तो देखो, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखना चाह रहे हो तो क्रॉस, तो इसका भी क्रॉस आ जाएगा, सेकंड वाले का भी क्या आ जाएगा, क्रॉस। तो आप कहोगे, आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ वायर्स, दोनों वायर्स हैं, इज डाउनवर्ड इन प्लेन ऑफ पेपर। सही है भाई, प्लेन ऑफ पेपर में डाउनवर्ड है, तो आपके पास बी नेट जो आ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से जुड़ जाएंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड जितना है उतना मैग्नीट्यूड इसका भी है, तो दोनों को जोड़ दो, टू टाइम्स कर दो म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर, टू पाई आर का म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर का टू टाइम्स। इसका मतलब ये है, इसका भी म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर था, इसका भी म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर था, इसकी दो से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि जितना इसका है उतना इसका भी है, तो दोनों एडअप हो गए, तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स, वाई प्लस वाई टू वाई, क्यू प्लस क्यू टू क्यू, ऐसे इसका मैग्नेटिक फील्ड बी, इसका मैग्नेटिक फील्ड बी, तो ये हो जाएगा टू बी। तो टू ये है, बी की वैल्यू आपने ये रख दी, पुट द वैल्यू ऑफ म्यू नोट, ऐसे रहेगा, म्यू नोट की वैल्यू पुट कर दो, फोर पाई इंटू टेन की पावर माइनस का सेवन। करंट कितने एम्पियर की दौड़ रही है, चार एम्पियर की, ठीक है, टू पाई ऐसे रहेगा। आर मतलब सेपरेशन, आर कितना, 16 सेंटीमीटर का आधा कर दोगे 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाथों हाथ 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई, 2 पाई से 4 पाई दो बार चला जाएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 4, तो 4 से 8 जो है ये दो बार चला जाएगा, 4 दुनी 8, 2 से ऊपर वाला 4 जो है अगेन दो बार चला जाएगा, तो ये ऊपर जो बचा नंबर सिर्फ दो बचा, 10 की पावर माइनस 7 ये है, 10 की पावर माइनस का 2 ये है, तो 10 की पावर माइनस का 5 बचेगा, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है जो आपसे पूछा गया था। तो होप सो समझ में आ गया होगा, कुछ टफनेस नहीं है, इजी है, अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं फुल पोटेंशियल के साथ, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हैं, वीडियो को शेयर कर देते हैं दूसरों के साथ, तो भाई ऐसे में मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाला अमीर इंसान बन जाऊँगा आप लोगों की मदद से, और फिर मेरा दिल भी बड़ा खुश होगा और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो फिर मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा, फिर मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँगा, आपकी मदद नहीं होगी, न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है।